बेनकाब हैं हम, दिल से पढ़िए, खुली किताब हैं हम। लिख तो मैं लगभग 15 साल से रहा हूँ। मैं भोजपुरी मेरे भोजपुरी के गाने आते हैं, हिंदी के सॉन्ग आते हैं, और इंस्टाग्राम के क्रिएटरों के लिए मैं लाइनें लिखता हूँ, पर पढ़ता बहुत कम हूँ। तो ये शायद दूसरी बार है, शायद इनसे बात भी हुई थी हमारी कि हम दूसरी बार पढ़ने आ रहे हैं। तो अजी नकाब नहीं बेनकाब हैं हम, अजी नकाब नहीं बेनकाब हैं हम, दिल से पढ़िए खुली किताब हैं हम। कि अजी नकाब नहीं बेनकाब हैं हम, दिल से पढ़िए खुली किताब हैं हम। गुरूर अच्छा नहीं इतना हुस्न का मोहतरमा, कि गुरूर अच्छा नहीं इतना हुस्न का मोहतरमा, आपसे हंसी है वो जिसका ख्वाब है हम, आपसे हंसी है वो जिसका ख्वाब है हम। और इसी की अगला शायर है कि मुझे अब इश्क से गुरूर होता जा रहा है। करिएगा, कुछ लोग मोहब्बत किए हैं, अब आप इस पे गौर करिएगा कि गुरूर कैसा है, क्योंकि गुरूर खत्म हो चुका है, फिर भी गुरूर कैसा है कि मुझे अब इश्क पे गुरूर होता जा रहा है, ये अब इतना मुझसे दूर होता जा रहा है। कि मुझे अब इश्क पे गुरूर होता जा रहा है, ये अब इतना मुझसे दूर होता जा रहा है। लिख रहा हूँ सब उसी के एहसास अपने नज्म में, लिख रहा हूँ बस उसी के एहसास अपने नज्म में, देख उसे ही पढ़ के आनंद मशहूर होता जा रहा है। कि इसी के साथ मेरी एक गज़ल है जो मैं इस शो को बुक करने के बाद शायद सोचा था क्या पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी शायद इस गैलरी में कम से कम 1200 से ऊपर गज़लें हैं, बट मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा पढ़ूंगा। तो ये बुक शो करने के बाद मैंने लिखा था, और ये कल्पना है एक मेरी कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो वो कितनी खूबसूरत लग सकती है या लगती है। अगर आपको उस किसी को बताना हो तो पहली बात तो शब्द नहीं मिलते, अपने एहसासों से फील करना हो तो गौर करिएगा कि अगर किसी ने मोहब्बत की होगी उसको कैसा लगा होगा। कि जमघट उसके यौवन पे हो जैसे तट पे पानी का, कि जमघट उसके यौवन पे हो जैसे तट पे पानी का, हुस्न उसे बख्शा है रब ने जैसे महल की रानी का। दिल पागल सा रहता है देखे बिन उस सूरत को, रंग पता चलता है उससे क्या होता रंग जवानी का, क्या होता रंग जवानी का। कि इसी की अगली है लाइन कि अंग अंग कचनार है उसका, गौर करिएगा अपनी सुंदरी अपनी प्रेमिका के लिए कि वो उससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। कि अंग अंग कचनार है उसका, रूप हो जैसे मधुशाला, अंग अंग कचनार है उसका, रूप हो जैसे मधुशाला, ये मन उसके भक्ति में हो जपता है उसकी माला, कमर कमानी तीर धनुष है मस्ती की मस्तानी का, रंग पता चलता है उससे क्या होता रंग जवानी का, क्या होता रंग जवानी का। कि गौर करिएगा कि आंखों के प्यालों सा उसका हाय मुझ पे छलकाना, आंखों के प्यालों का उसका हाय मुझ पे छलकाना, पल में कर देता है मुझको उस नागिन का दीवाना, ख्वाब सजोए बैठा रहता, ख्वाब सजोए बैठा रहता, ये दिल जिस मस्तानी का, रूप पता चलता है उससे क्या होता रंग जवानी का, क्या होता रंग जवानी का। और इसी की आखिरी बंद है कि अब अदा हया ना पूछो मुझसे, गौर करिएगा उसके बारे में कि वो कैसी है वो। तो अब अदा हया ना पूछो मुझसे, शर्मो हया की मूरत है, अब अदा हया ना पूछो मुझसे, वो शर्मो हया की मूरत है, नाम ही उसका एक कयामत इतनी वो खूबसूरत है, नाम ही उसका एक कयामत वो इतनी खूबसूरत है। और करिए गौर करिए कि रूप की रूप ही लगता देवी जैसा, इस पे गौर करिएगा, आनंद की शायद बातें हैं, आनंद की मोहब्बत की। कि रूप ही लगता देवी जैसा, आनंद दिलबर जानी का, रंग पता चलता है उससे क्या होता रंग जवानी का, क्या होता रंग जवानी का। और काफ़ी लोग यहाँ होता है कि शायर कैसे बन गए, तो मैं शायद बहुत ज़रा बैठा के तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन अगर जो शायर बने हैं वो शायद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जीवन को गमों की आग में तपाकर, जीवन को गमों की आग में तपाकर, अपने एहसासों की अर्थी सजाकर, उम्मीद और भरोसे को कंधा देने के बाद तब जाकर कोई शायर बनता है।
और मैं एक गजल के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि सच जुबा पे कभी जो लाते नहीं, गौर करिएगा जिनसे मोहब्बत आपको हुई होगी और वो किसी वक्त वो कुछ सालों बाद लौट के आते हैं तो क्या होता है। अभी पिछली बार जो मैंने यहाँ किया था उसमें भी ऐसी ही कुछ दूसरी गजल थी मेरी कि मोहब्बत होने के बाद वो जो वापस आते हैं तो क्या होता है, उसी की दूसरी चीज़ है कि सच जुबा पे कभी जो लाते नहीं हैं, जो रिश्ता कोई भी निभाते नहीं हैं, सच जुबा पे कभी जो लाते नहीं हैं, जो रिश्ता कोई भी निभाते नहीं हैं, कर हमें छोड़ हासिल खजाने को देखो, वो तरसते हैं अब प्यार पाने को देखो, वो तरसते हैं अब प्यार पाने को देखो। और सफ़र इश्क में अलविदा कर गए थे कि सफ़र इश्क में अलविदा कर गए थे, किसी और पे दिल फिदा कर गए थे, उन लबों पे हंसी दिखाने को देखो, उन लबों पे है हंसी अब दिखाने को देखो, वो तरसते हैं अब प्यार पाने को देखो, वो तरसते हैं अब प्यार पाने को देखो। कि जिन्हें आंसुओं पे ना आया तरस था, मनाया बहुत था, कि जिन्हें आंसुओं पे ना आया तरस था, पहाड़ों के जैसे जब गुजरा बरस था, कि जिन्हें आंसुओं पे न आया तरस था, पहाड़ों के जैसे जब गुजरा बरस था, हर सितम कर गए वो मिटाने को देखो, वो तरसते हैं अब प्यार पाने को देखो, वो तरसते हैं अब प्यार पाने को देखो। और आखिरी मंद है इसकी कि जो कर दूर खुद को संवारे बहुत हैं, जो कर दूर खुद को संवारे बहुत हैं, जो लम्हे तसव्वुर में गुजारे बहुत हैं, ये कहते हैं अपना बनाने को देखो, अब वो कहते हैं अपना बनाने को देखो, वो तरसते हैं प्यार पाने को देखो, वो तरसते हैं प्यार पाने को देखो। और मेरी लिखी हुई जो इंस्टाग्राम पे रील वायरल है, शायद आप लोगों में से जो भी इंस्टा सुनते हैं लगभग उन्होंने सुना होगा कि महोदय इस जनपद में आने से पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ के हिस्ट्री और यहाँ के हिस्ट्री शूटर दोनों फेमस हैं। ये मेरी ही कलम से पहला है गौरव पंडित यूपी 50 पे आईडी पे, और अभी एक जल्दी ही वायरल हुई थी मेरी कि किसी को उठाने के लिए लगता होगा स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर, किसी को उठाने के लिए लगता होगा स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर, महोदय हमारे लिए पल्सर और पिस्टल काफ़ी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।